नमस्कार, सत्योदय में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिन्हा। देश की अर्थव्यवस्था पर इस समय मंदी के काले बादल मंडरा रहे हैं। लोगों की क्रय शक्ति इस समय कम हो गई है। कई लोगों पर, कई सेक्टरों पर अर्थव्यवस्था में इस समय दबाव चल रहा है। कई हज़ार रोजगार छिन चुके हैं और कई लाख रोजगारों पर इस समय संकट बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मंदी के दौरान जब लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है तो वो कुछ खरीद नहीं पाते हैं। उत्पादनकर्ताओं के आगे संकट होता है कि वो अपना माल किस तरह से आगे निकाल पाए, किस तरह से वो अपने माल को आगे बेच पाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त रोजगार जो हमारा होता है वो निकल जाता है, अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता है। इसमें अर्थव्यवस्था इस समय काफ़ी बुरी स्थिति का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ के जो दाम है वो गिरे नहीं है, बल्कि ज़बरदस्त उछाल उस क्षेत्र में आया हुआ है। रिकॉर्ड स्तर पे वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है दामों में, वो है सर्राफा क्षेत्र। जी हाँ, सोने और चांदी के दाम में इसमें ज़बरदस्त उछाल है। सोने का दाम 38,000 के पार कर गया है, जबकि चांदी का दाम इसमें 45,000 के पार कर गया है। हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ महानगर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मनीष कुमार वर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र में इतनी बढ़ोतरी, इतना उछाल हुआ है, और क्या इसके पीछे राष्ट्रीय कारण है और क्या अंतर्राष्ट्रीय कारण है जिसकी वजह से इतनी बढ़ोतरी हुई है। मनीष जी, जिस तरह से सोने में इस समय उछाल देखने को मिल रहा है, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, एक तो जो सरकार ने हमारा जो कस्टम ड्यूटी थी 10%, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। उस 12.5% को करने के बाद हमारे सभी सराफा व्यापारियों का, हमारी सभी एसोसिएशनों का शुरू से ये कहना था कि सोने पे 10% भी कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों की ये मांग थी इसको कम करने की। तो उसको कम ना करके सरकार ने उसमें 2.5% का और बढ़ावा दिया। तो एक तो ये भी कारण है, और दूसरा जो हमारे बैंक हैं, हमारे बैंक हैं जैसे अमेरिका और चाइना, इन लोगों ने अपने सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए जो बुलियन सोने का खरीदारी शुरू कर दी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है इस दाम को बढ़ने में। आपको बता दें, जो हम दुनिया भर के केंद्रीय बैंक हैं उस समय जो अपना सोने का रिज़र्व है वो काफ़ी बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 374 मीट्रिक टन तक सोना जो है केंद्रीय बैंक अपने रिज़र्व कर चुके हैं। अगर अपने देश आरबीआई की बात करें तो 2018 से अब तक 60 टन के करीब वो जो है वो सोने का रिज़र्व कर चुका है। तो ये भी एक कारण है। आप जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर इस समय चल रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं लोगों का रुझान इस समय सोने की तरफ है, जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का उछाल आया हुआ है? नहीं, देखिए, रुझान अगर एक आम आदमी की दृष्टि देखा तो आम आदमी सोने की परचेजिंग से दूर हो गया है, और जो ये उछाल है ये तो एक सरकारी कारणों से या हमारी समझ से जो पैसा नंबर दो वाले हैं उनके लिए भले हो, क्योंकि और कहीं कोई ऑप्शन ना हो, क्योंकि हर जगह मंदी है। और बाकी आम आदमी के लिए जो हमारे देश में शादी ब्याह के उसमें जिसको जेवर के रूप में सोना चाहिए होता, तो उनकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है। अच्छा, ये बात तब भी निकल के आई थी जब कहा गया था 12.5% टैक्स 2.5% बढ़ा दिया था आया शुल्क, तब भी कहा था कि आम आदमी को उससे तकलीफ होगी। वहीं कई व्यापारियों ने ये बात बोली थी कि इससे जो कालाबाजारी है वो बढ़ेगी, इसका जो सीधे फायदा होगा वो सरकार को भी नहीं होगा, आम आदमी को भी नहीं होगा, व्यापारी को भी नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होगा वह है जो कालाबाजारी कर रहे हैं उन लोगों को। तो आप उसके बाद से आपने कैसा माहौल देखा है इसमें? देखिए, ये तो सरकार को बताने वाले और सरकार की कैलकुलेशन को लागू करने वाले लोग ज़्यादा जानते होंगे कि सरकार को लगता है कि 2.5% बढ़ा करके वो ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त कर सकती है। लेकिन हम लोगों का तो ये कहना है कि किसी भी चीज़ में रेवेन्यू तो ज़्यादा आपको तब प्राप्त होगा जब वो चीज़ नंबर एक में बिकेगी। जब वो चीज़ बिकना ही कम बंद हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी, इसका फ़ायदा तो सीधे सीधे नंबर दो का कारोबार करने वालों को मिल रहा है। आज भी आप देख लीजिए शहर में 1500 से लेकर 2000 जिसको कैश में सोना खरीदना हो या नंबर दो में खरीदना, तो 1500 से 2000 कम में उनको सोना उपलब्ध है। तो सरकार अगर कोई काम करना चाहती है और एक प्रॉपर वे लाइन में व्यापारियों को लाना चाहती है, तो पहले उसको उसका स्ट्रक्चर वो होना चाहिए, स्मगलिंग पे लगाम लगानी चाहिए। और आज की तारीख में तो हमको लगता है कि जो आदमी नंबर एक में काम करना चाहता है, जो सरकार का सहयोग करना चाहता है, तो वो आदमी अपने आप को बहुत ठका सा महसूस कर रहा है।
और जो लोग देश हित में काम नहीं करते हैं और जिनका एम केवल ही पैसा ही कमाना है और उनको सरकार को कुछ देना भी नहीं है, और अगर कहीं कुछ जाता है तो शायद लोगों की निजी जेबों में जाता होगा, सरकार की जेब में तो नहीं जाता होगा हमारे ख्याल से। और इसका फ़र्क केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर इस सरकार को इस पर लगाम लगानी है तो सबसे पहले ये नंबर दो के सोने को आने बंद करने चाहिए, इसका व्यापार बंद होना चाहिए, लोग आए नंबर एक में काम करें, प्रॉपर में काम करें, और तभी सरकार की स्कीम भी सफल हो जाएगी। और नहीं तो फिर आज जो ईमानदारी से अपना व्यापार चलाना चाहता है, ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, वो उन्हीं की दुकानों में ही सन्नाटा है। बिल्कुल, जैसे ये कारण बताए जा रहे हैं कि एक तो टैक्स यहाँ पे बड़ा है, कई राष्ट्रीय कारण है, मंदी के बावजूद सोना बढ़ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है इसके पीछे एक वजह ये भी है कि अमेरिका ने जो अपने ब्याज दरों में कटौती की है, 11 साल बाद उसने ये कटौती की, लेकिन कहा जाता है जब भी अमेरिका ये करता है, कदम उठाता है ब्याज दरों में, तब जो है दुनिया के जो बाज़ार हैं उसमें सोने का दाम बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कितना ये कारण सही है? नहीं, ये खैर पिछले रिकॉर्डों को देखते हुए तो आपकी बात को सही कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जिस तरह सोने का काम है, सोने को हमारे देश में केवल इन्वेस्टमेंट के तौर पर नहीं लिया जाता, हमारे देश में सोना चांदी हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी जो हमारी सुहागिन महिलाएं होती हैं तो बहुत छोटी छोटी मंगलसूत्र जरूर पहनेंगी, बिछिया जरूर पहनेंगी, पायल जरूर पहनेंगी, तो इसको देखते हुए हमारे देश में सोने चांदी के कारोबार, और वैसे भी किसी ज़माने में लोग कहते थे कि सोने चांदी का कारोबार जो होता है वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता था, लेकिन आज सरकार ने एक सोने चांदी वालों को और एक शायद रियल इस्टेट वालों को सरकार ने बिल्कुल बेईमान समझ रखा है। उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा इसी ट्रेड में है और सबसे ज़्यादा बेईमान उनको लगता है इसी ट्रेड में है। ऐसा नहीं है, सराफा व्यापारियों ने इस देश के लिए भी बहुत कुछ किया है, अपने प्राचीन सभ्यता को बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया है, छोटे छोटे कारीगर हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की तरह लोगों के घरों में आज भी काम हो रहे हैं, छोटे छोटे कामों से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ का बाज़ार है, जो इस समय सराफा का बाज़ार है, ये कहा जा रहा है कि जिस समय जो इंटरनेशनल टेंशन चल रही हैं देशों के बीच में, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका ईरान के बीच में टेंशन है, तो कितना असर पड़ता है जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं तो भारत के बाज़ारों में किस तरह का असर पड़ता है यहाँ पर? नहीं, इससे पहले भी जब जब किसी कंट्री के बीच में कोई अगर टेंशन आई तो भावों में फ़र्क तो आया, लेकिन जिस तरह आज जिस तरह का उछाल आया है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और ये अगर इस तरह का ये उछाल रहा तो ये तो ट्रेड को ख़त्म करने वाली पोजीशन में आ जाएगा, ये भी एक जिस तरह सरकार भी की निगाहों में भी शायद लग्जीरियस आइटम होता जा रहा है, तो इस तरह ट्रेड को बहुत इस ट्रेड को तो बहुत खतरा है। आपको बता देना चाहते हैं इस समय जो अमेरिका और चीन के बीच जो इस समय ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे काफ़ी जो एशिया के बाज़ार हैं उन पर दबाव तो है ही है। चीन का पहली बार ऐसा हुआ कि 11 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो जो चाइना का युआन है, वहाँ की मुद्रा, वो एक डॉलर के मुकाबले 7 पर आ गई है, तो निश्चित तौर पर दबाव तो कहीं ना कहीं है। और अगर इसकी बात करें जो यहाँ पे एक आम नागरिक, भारतीय नागरिक की बात करें, जो समय सोना खरीदता है शादी ब्याह के मौक़ों पर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखिए एक रिश्ता कायम हो जाता है एक व्यापारी का और जो दुकानदार होते हैं, वो आपने देखा वो कई बार ऐसे होते हैं कि हाँ सालों साल एक ही दुकान से वो एक रिश्ता कायम उनके बीच में हो जाता है। तो किस तरह का आपने देखा ये दाम बढ़ने के बाद उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, व्यापारियों को कितना दाम ज़रूर बढ़ गया है लेकिन कहीं ना कहीं सेल पे भी उसका असर पड़ेगा, तो कितना दबाव महसूस कर रहा है व्यापारी भी और एक आम नागरिक भी जो खरीदता बेचता है? देखिए, हमारा सराफा व्यापार जो है वो किसी भी और अन्य व्यापार के मुकाबले बहुत अलग है। हमारा जो व्यापार जिस भी कस्टमर से होता है उसमें 70-80% कस्टमरों की जो होते हैं वो हमारे व्यापारी बन जाए, उनके पिताजी भी हमसे लेते थे, उनके पिताजी लेते थे, दादा, ये पीढ़ियों का बनाया हुआ एक रिश्ता है, व्यापार नहीं इसको कहते हैं, इसको रिश्ता कहते हैं कि बनाया हुआ रिश्ता है। और ये जब भाव बढ़ने का या जब इस तरह की पोजीशन आ जाती हैं
तो उन रिश्तों पे भी फ़र्क पड़ना बहुत, कस्टमर के यहाँ शादी है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, और हमारी सभ्यता के अनुसार उसको जेवर भी चाहिए, कुछ जेवर बहुत ज़रूरी, वो अपने बजट को कम कर लेता है, छोटा कर लेता है, लेकिन चाहिए तो उसको चाहिए ही, उसमें ये नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटी को मंगलसूत्र ना दे या बिछिया ना दे, पायल ना दे या ना पहनाए, और उसमें और चूंकि पूरा व्यापार इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है, मैक्सिमम हमारे देश में लोग व्यापार करते हैं मैक्सिमम, और रेवेन्यू भी मैक्सिमम व्यापारी, तो जब हर ट्रेड मंदी के दौर से गुजर रहा है तो उसमें उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती, वो अपनी बेटी को देना भी चाहता है, और हमारे ऊपर दबाव ये होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, अब या तो हम उसको उधार दे, उधार हम उसको देते हैं किसी भी तरह, क्योंकि मुझको हमको अपना व्यापार ही नहीं बचाना, हमको अपने पुराने रिश्ते भी बचाने हैं जो हमारे पीढ़ियों से बने हुए हैं, तो हमको रिश्ता ही बचाना है, तो ना चाहते हुए भी हमको उनको उधार भी देना पड़ता है, उनकी हर तरह से मदद करनी पड़ती है। और एक ज्वेलर्स का आपको और बताऊँ एक बात, कि एक ज्वेलर्स ऐसा होता है जो केवल सोना चांदी खरीदने और बेचने के मतलब से ही कस्टमर से नहीं जुड़ा होता है, ज्वेलर्स कस्टमर के साथ उसकी हर दुख मुसीबत में जुड़ा हुआ होता है। हम आप चले जाइए, आप किसी भी शोरूम से आप 20 लाख की कार खरीद लीजिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, कितना भी आपका अच्छा उस शोरूम से व्यवहार हो, आप चले जाइए 20 लाख की कार आप उसको दे दीजिए, कह दीजिए साहब ये 20 लाख की कार रख लीजिए, हमारी ज़रूरत है, हमारे आपके 50 साल पुराने संबंध हैं, हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए, हमारी बेटी की शादी है, नहीं देगा वो। लेकिन एक ज्वेलर्स जिसने अपना सामान बेचा हुआ, आज भी ज्वेलर्स के पास जाता है रात के 12 बजे आता है, वो कहता है मेरे घर में बीमार है, हमारे यहाँ ऑपरेशन है या हमारे यहाँ शादी है, भैया ये हमने आपसे लिया था, ये आप रख लिए भैया, हमको 5 लाख दे दिए। हम लोग जो मैक्सिमम दुकानदारों की, मैं कुछ दुकानदारों की बात नहीं करता, मैक्सिमम दुकानदारों की ये होता है कि उस पीरियड में उसकी उस मुसीबत में उसको हम उसका वैल्यू भी नहीं देखते हैं, और हम रात को 12 बजे उसकी मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। एक सोना चांदी ही ऐसा व्यापार है, एक सोना चांदी ही ऐसी चीज़ है जिसको हमारा व्यापारी हमसे बेचा हुआ अगर हमारे पास ले आता है तो हम रात के 12 बजे भी उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। हम सराफा की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इस समय काफ़ी दबाव में हैं, मंदी का असर है, और अगर रिसेंटली खबर फॉलो की होंगी तो आपने देखा होगा कि जिस तरह ऑटो सेक्टर इस पर दबाव में चल रहा है, उन्होंने कई हज़ार नौकरियां वहाँ से उन्होंने वहाँ कम हो गई हैं, उन्होंने कहा है कि अभी लाखों नौकरियों पर संकट है। अभी हाल ही खबर आई पार्ले की, उसने कहा 8 से 10 हज़ार नौकरियाँ जो हैं हमको अपने कर्मचारी निकालने पड़ेंगे अगर GST में सुधार नहीं किया गया। उनकी मांग कि GST जो कम किया जाए, तो यहाँ जो सराफा व्यापार है उन पे भी GST लगता है, 3% GST उनको देना पड़ता है, तो उनको व्यापारियों को कितना GST का असर पड़ता है, और ख़ास तौर से जब से भी ये GST की व्यवस्था आई है व्यापारियों को दिक्कत हो रही है उसमें, क्योंकि सारे व्यापारी उसकी व्यवस्था अभी भी नहीं समझ पाए, इवन गवर्नमेंट भी लगातार उसमें बदलाव करती है, तो ये जानेंगे कि GST का कितना असर पड़ रहा है इस मंदी के कारण। देखिए यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सराफा व्यापारी या और भी ट्रेड व्यापारी कोई GST देने से नहीं डरता है, इससे ज़्यादा टैक्स देने को तैयार, लेकिन GST की जितनी जटिलताएँ हैं, हमारा व्यापार गांव गांव कस्बों कस्बों छोटे छोटे गांव में कस्बों में एक होता था जहां वो हाथ का माहिर अपना हस्त कला का माहिर आदमी होता था वो काम करता था, और वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, कम पढ़ा लिखा होता था, हमारे ट्रेड में आज भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं मिले, कम पढ़ा लिखा होता था, और उस आदमी को जिसने 5वीं क्लास पास ना किया हो, आपने एक एक अटेंडम बिल्कुल इस पोजीशन में खड़ा कर दिया कि आपको BSc का एग्ज़ाम पास करना है, नहीं कर पाएगा, वो इतना खाता बही नहीं बना पाता है, वो इतना खाता वो अभी तैयार नहीं है। हम लोग जो भी स्ट्रक्चर, सरकार जो भी स्ट्रक्चर तैयार करती है, तो मेरे ख्याल से उसको जो उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो आज से 10 साल, 5 साल 10 साल आगे की सोच के काम करना चाहिए, लेकिन सरकार ये चाहती है कि सारा काम एक ही दिन में हो जाए। आज GST रिटर्न दाखिल करने में बड़े से बड़े दुकानदार भी सक्षम नहीं है, जो बड़े से बड़े व्यापारी भी सक्षम नहीं है। आज हमारा अकाउंटेंट जो परमानेंट अकाउंटेंट जो हमसे 3 से 4 हज़ार रुपये महीने लेता था,
या टेम्प्रेरी अकाउंटेंट होते थे जो कि आते हैं हमारे यहाँ का हिसाब ले जाते हैं, हमारे जैसे 10 दुकानों का हिसाब ले गए, अपने घर बैठ के उन्होंने अकाउंट तैयार किया और सब दिया, जिनको हम 1000 से 1200 रुपए देते थे। आज वही अकाउंटेंट 3 से 4 गुना उन लोगों ने अपना पैसा बढ़ा दिया है, क्योंकि पहले आधा काम हम कर लेते थे और आधा काम वो कर लेते थे। आज हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, सारा काम वही करता है और इसका हर आदमी समय पे अपना फ़ायदा उठाता है, आज वो भी अपना फ़ायदा उठाते हैं और कुछ वर्क भी उनका बढ़ा है, ये भी नहीं कि खाली वो पैसे ही बढ़ा है, उनका वर्क भी बढ़ा है। और जटिलता इतनी है कि मैं तो 2-3 कार्यशालाओं में भी गया हूँ GST की, और मैं लखनऊ व्यापार मंडल से भी जुड़ा हूँ, उनकी कार्यशाला उसमें भी गया हूँ। तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ बैठे हुए अधिकारियों को भी वो बात नहीं मालूम होती है, वो भी नोट कर लेते हैं कि ठीक है हम ये आपको इसके बाद में अवगत कराएंगे। तो हमारा सरकार से अगर हम लोगों की डिमांड मानी जाए या हमारी जो अपेक्षा है सरकार को कि पहले उस तरह का एक वातावरण तैयार करे जिसको एक्सेप्ट करने के लिए हर व्यापारी तैयार हो, और ये बिल्कुल गलत बात है कि व्यापारी कोई GST देना नहीं चाहता, कोई टैक्स देना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है कि वो ईमानदारी से अपना काम करे और ईमानदारी से सरकार को टैक्स दे, पूरा सहयोग देना चाहता है और हम चाहते भी हैं, लेकिन उस तरह का पहले प्लेटफॉर्म भी सरकार को तैयार कर लेना चाहिए। अच्छा मनीष जी, आप लखनऊ महानगर व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सराफ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आपके पास और बहुत से व्यापारी भी आते होंगे मदद के लिए विद GST, आपको भी अभी दिक्कत होती होगी, नई एकदम चीज़ है, तो किस तरीके से आप उनकी मदद कर पाते हैं, कितना कौन कौन सी समस्याएँ वो लेके आते हैं GST और अन्य व्यापार से जुड़ी हुई? आज बहुत से व्यापारियों में हमारे यहाँ तो व्यापारी उसको बिल काटने में ही दिक्कत है, बिल काटना ही उसको अभी नहीं आता है, और भी तरह की समस्याएं आती हैं, तो हमारे CA हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं, मैं उनके द्वारा उनको मदद करता हूँ, और भी लोग जो इच्छे GST के क्षेत्र के हैं वो लोग भी मदद को हम लोगों के साथ आए हैं, उनके द्वारा भी उनको जितनी हो सकती है उतनी मदद की जाती है। तो कभी ऐसा हुआ है कोई व्यापारी आपके पास आया हो व्यापार को लेके, कि चूँकि आपने जैसे बताया कि छोटे छोटे व्यापारी जो अपनी घर पे ही घर से संचालित करते हैं, वो भी उनको भी GST देना पड़ता होगा, वो भी तो क्या किस तरह की समस्या बताते हैं वो आपको आके? वो उनको तो बहुत से व्यापारियों को तो ये समझता हो तो उनको तो यही नहीं मालूम है कि शुरुआत ही कहाँ से करनी है। तो हम लोगों ने कैंप लगा करके और अपना मीटिंग करके या कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके बहुत से व्यापारियों का एक साथ GST में रजिस्ट्रेशन करवाया, अपने अकाउंटेंट से उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको उसके बारे में जो भी वो जानना चाहते थे वो बताया। हमारे CA साहब GP गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी ऐसे व्यापारियों को अपने घर बुला करके जो भी जितनी वो मदद चाहते हैं जितना वो, अब चूँकि मैं तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितनी भी जो मेरे समझ में नहीं आती है वो अपने CA साहब को बुला करके या उनके पास लोगों को भेज करके हम लोग बिल्कुल मदद को उनको तड़पड़ रहते हैं। आप लोग चूँकि सरकार से भी टच में रहते हैं अपनी मांगों को लेके, आप सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते ही होंगे, तो इस समय जो मंदी का दौर चल रहा है आपकी सलाह क्या है कि आगे किस तरह से जो मंदी का दौर है उसको डील करो, किस तरह से जो व्यापारी हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको कौन तरह की सुविधा किस तरह की सुविधाएँ दें जिससे कि इस मंदी से वो उभर सके? सबसे पहले तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि आज के समय में जो सराफा व्यापारी मनोबल बहुत गिरा हुआ है और थोड़ा डरा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज जाए जो सराफा व्यापारी अपने आप को असुरक्षित मत समझे। एक तो सराफा व्यापारी वैसे भी दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है, अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो चोरों और डकैतों से घिरा हुआ होता है और बाकी और सरकारी और भी बहुत चीज़ों से वो डरता है, तो ऐसा कुछ वातावरण तैयार करें कि जिससे कि उनको ये ना लगे, उनको ये लगे कि हमको ये करना है या ये टैक्स देना है या ये, लेकिन उनको ये ना लगे कि हमको कहीं फंसा दिया जाएगा या हमारा कहीं हमको कहीं प्रताड़ित किया जाएगा, इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप बदलाव के दौर से गुजर रहे होते हैं तो उस समय हर ट्रेड में कुछ छूट दी जाती है, तो सराफा व्यापारियों को भी आप कुछ समय दीजिए, कुछ छूट दीजिए और उनको उसके लिए ट्रेंड करिए, उसकी कार्यशाला हो या उनको ट्रेंड करिए,
उनके जो अकाउंटेंट हैं उनको उस चीज़ को ट्रेंड करिए, मतलब कुल मिला करके। और समय आएगा, साल दो साल तीन साल अगर हो जाएगा तो साल दो साल तीन साल में धीमे धीमे व्यापारी भी उस बात को अपना लेगा। आज हमारे मोदी जी ने एक सफाई का अभियान चलाया, बहुत अच्छा था। और क्या एक ही दिन में नहीं हो गया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट दिन से अगर सफाई को था तो आज आपको, आज उनकी एक पाँच साल की सरकार पूरी हो गई और दूसरी सरकार आ गई, आज आपको बहुत चेंज दिखाई देगा। आज आपको शहर में बहुत, हम लोग अपने घरों के लिए सोचने लगे हैं। और कोई भी काम अच्छा तब हो सकता है जब हम उस चीज़ को सोचना शुरू करें। डरना अलग बात है और उस चीज़ को करने के लिए सोचना अलग बात है। तो कुछ ऐसा उनको सहयोग दिया जाए, ऐसा उनको बढ़ावा दिया जाए कि वो डरे नहीं, उस चीज़ को करने के लिए वो सोचना शुरू कर दे। और जिस दिन अगर अपने मन से उन्होंने करने के लिए सोचना शुरू कर दिया, उस दिन बहुत सी मुश्किलें सरकार की भी और व्यापारियों की भी अपने आप कम हो जाएंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोने में जो इस समय रिकॉर्ड स्तर की जो उछाल आया है, भविष्य में अभी आने वाले दिनों में क्या कम होगा या और बढ़ेगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा कोई उछाल आना चाहिए। मतलब हमारे ख्याल से थोड़ा बहुत ये बैक होना चाहिए रेट को, क्योंकि अगर इस तरह रेट अगर और ज़्यादा उछाल आएगा तो शायद ये व्यापार ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ महानगर सराफा व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा जी। इन्होंने बताया किस तरह से इस समय सराफा बाज़ार की स्थिति चल रही है, किस तरह की समस्याएं सराफा व्यापारियों के समक्ष हैं, किस तरह की समस्याएं उन लोगों के आम नागरिकों के समक्ष हैं जो शादी ब्याह जैसे आम मौक़ों पर कुछ सोना कुछ चांदी खरीदते हैं, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है। साथ ही जो अर्थव्यवस्था का इस समय दौर चल रहा है मंदी का, उसमें भी उन्होंने बताया किस तरह से सुधार करने की आवश्यकता सरकार को है, और साथ ही व्यापारियों को सुरक्षित महसूस कराने की भी ज़रूरत है। जब भी बदलाव होता है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ छूट दी जानी चाहिए, यह मनीष कुमार वर्मा जी का कहना है। तो देखना होगा कि किस तरीके से आखिर अब अर्थव्यवस्था आगे चलती है, क्या मंदी का दौर उतना ही बरकरार रहता है या कुछ सुधार होता है, ये अब देखेंगे। हालांकि सोने की अगर बात करें तो मनीष कुमार वर्मा जी ने जैसे बताया कि उनको नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा इसमें उछाल आएगा, उनको लगता है कि हाँ कुछ कमी हो सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरह के वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सत्योदय को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।